कल मेरे एक दोस्त का फोन आया। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, कहने लगी कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, सांस नहीं आ रही है, कब कभी हो रही है, प्लीज तुरंत किसी डॉक्टर से बात करवा दो। अब ऐसा उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले कई महीने से उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके कुछ टेस्ट भी हुए थे और सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला उसे एंग्जाइटी अटैक पड़ा था। कोविड काल में एंग्जाइटी बहुत ज्यादा आम है और बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी अटैक भी पड़ रहे हैं। इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर अखिल अग्रवाल ने। इसमें शारीरिक तौर पर घबराहट, तेज धड़कन महसूस होना, प्यास ज्यादा लगना, हाथ पैर फूल जाना, चक्कर आना और सिर में दर्द रहना जैसे लक्षण आपको महसूस हो सकते हैं। मानसिक तौर पर अप्रिय घटना के बारे में चिंता करते रहना, किसी मैटर पर बहुत ज्यादा सोचना, याददाश्त पर असर पड़ना, फोकस ना कर पाना, ये सब भी होता है। अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बेहद जरूरी है कि आप प्रोफेशनल मदद लें। एंग्जाइटी अगर आसानी से कंट्रोल ना हो या इसके एपिसोड्स बहुत ज्यादा रेगुलर हो तो क्लिनिकल एंग्जाइटी डिसऑर्डर का खतरा आपको हो सकता है। नॉर्मल एंग्जाइटी लाइफस्टाइल में मामूली बदलाव करके भी कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन क्लिनिकल एंग्जाइटी के लिए ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। इसलिए देर मत करिए, जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं उनमें भी काफी ज्यादा एंग्जाइटी देखने को मिल रही है। उन्हें चोकिंग जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे उनका गला दब रहा है, बुरे सपने आना, छोटी छोटी चीजों से बहुत ज्यादा डर लगना, परेशान होना, ऐसे भी लक्षण महसूस हो रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करिए, मदद लीजिए।